यार दिन निकल गया पूरा कल का लेकिन ना भोला ना दस पता नहीं ये लोग सो रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग अपनी एडवांस बुकिंग्स खोलते क्यों नहीं है अब पूरा का पूरा जो दारमदार है वो आज के दिन के ऊपर है कि क्या आज के दिन एडवांस बुकिंग्स ओपन होने वाली हैं क्योंकि नंबर्स में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी भोला के भी नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं है और दस तो खैर अभी तक ओपन ही नहीं हुई है इसकी एडवांस बुकिंग्स तो मेरा सवाल ये है कि वॉट इज गोइंग ऑन कर क्या रहे हो क्यों अभी तक एडवांस बुकिंग्स ओपन क्यों नहीं करी है क्यों अभी तक इसको सस्पेंस बना के रखा हुआ है और ऐसा क्या मिलेगा आपको कि आप इसको डिले करते ही जा रहे हैं सो एंड ऑल्सो लुकिंग एट द फिजलिंग आउट ऑफ दिस जो हम क्रेज़ में जो देख रहे हैं कि अब क्रेज़ जो है अगर आप इतना ज़्यादा डिले करते जाएंगे उसको तो जो पब्लिक है ना उसमें क्रेज कम होता जाएगा ऑल्दो मैंने पहले भी बताया है कि भोला की मार्केटिंग ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है दसरा नीड्स टू बकल अप वरना भोला जो है सारी मलाई मार जाएगा जो नॉर्थ में स्क्रीन्स हैं वो इस वक्त भोला के पास जा सकती हैं और हो सकता है ये भी एक रीज़न हो अभी तक एडवांस बुकिंग्स जो हैं वो ओपन ही नहीं हुई हैं क्योंकि दोनों के स्क्रीन्स अभी तक शेयर नहीं हुए हैं जो भी है रीज़न है मगर हम आ, जो पब्लिक है वो ये जस्ट सोच रही है कि यार कुछ ओपन होगा हमको कुछ नंबर्स पता चलेंगे तो हम आप लोगों से शेयर करेंगे क्योंकि आजकल का एक तरह ट्रेंड बना हुआ है कि जो ऑडियंस होती है वो डे वन पर भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट्स भी वो तब बुक करती है जब वो देखती है कि एडवांस बुकिंग में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है अगर एडवांस बुकिंग्स का रिपोर्ट्स की रिपोर्ट्स एकदम ठंडी हैं तो नेचुरली वो फिल्म का जो क्रेज़ है फिर वो ज़्यादा नहीं कहलाएगा फिर ये कहलाएगा कि बड़ा एवरेज टाइप का कुछ हो रहा है कुछ ज़्यादा यू नो एक्साइटिंग चीज़ नहीं हो रही है तो हाँ भोला और दसरा को लेकर ये चीज़ें हो रही हैं और हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली ये दोनों ही फिल्में जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत कम उससे बहुत कम बिजनेस करें भोला का स्टिल मैं बोल सकती हूँ क्योंकि भोला ने लगातार प्रमोशंस जो हैं बहुत करके दिखाए हैं रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है कोई कभी कोई गाना आता है कभी कोई डांस uh, नंबर आ जाता है कभी कोई प्रमोशनल यू नो कोई ना कोई वो लोग बता रहे होते हैं कि कुछ ऐसा हमने किया बिहाइंड द सीन्स होता है कुछ ना कुछ कर रहे हैं समथिंग इज हैपनिंग विद दसरा के एंड पर ना चुप्पी साध रखी है ऑल दो हम ये जानते हैं कि एक पैन इंडिया टूर करने वाले हैं नानी और उनकी टीम मगर उसका शोर क्यों नहीं सुनाई दे रहा उसका शोर नहीं है बॉस तो कहना मेरा ये है कि मार्केटिंग को प्रमोशंस को थोड़ा और एग्रेसिव कीजिए ताकि लोगों में एक टाइप का क्रेज बने लोग उस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हों और प्लीज लेट्स जस्ट आई मीन ओपन द एडवांस बुकिंग्स लेट्स नॉट वेट लॉन्गर फॉर एनी लॉन्गर बिकॉज लोगों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है और जैसे हम देख रहे हैं कि जॉन विक फोर जो है इसका रिस्पॉन्स थाकड़ आ रहा है तो हो सकता है कि अगर आ, इसी का रिस्पांस ज़्यादा बढ़ता रहा तो फिर कहीं ना कहीं भोला और दसरा दोनों ही फिजल आउट हो सकती हैं ऐसा भी हो सकता है तो ये कुछ नई सिनेरियोज़ हैं जो इससे पहले शायद आ, फिल्म एक्सपर्ट्स ने भी शायद देखे नहीं थे कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही आ, बहुत ही एक बात शॉकिंग बात हो जाएगी कि ऐसा कुछ हो गया बट येस नाउ ऑल आइज़ ऑन टूडे कि अभी तक एडवांस बुकिंग्स खुली नहीं है तो एडवांस बुकिंग्स का क्या होने वाला है ओपन होंगी या नहीं होंगी हमको पता चल जाएगा और जैसे ही पता चलेगा मैं आपसे शेयर जरूर करने वाली हूँ आपको क्या लगता है कि क्या एडवांस uh, बुकिंग्स जो हैं ये जो ट्रेंड्स हैं ये जो इंक्लिनेशन है इससे फ़र्क पड़ता है फुटफॉल्स पर क्या uh, जो कंज्यूमर इमेज होती है या कंज्यूमर साइकोलॉजी होती है नॉट इमेज साइकोलॉजी होती है उस पर कुछ फर्क पड़ता है एडवांस बुकिंग्स का या उसको रुझानों को देख कर, लोग अपनी टिकट्स बुक करवाते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है और बाकी अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में बाकी फिलक दिस वीडियो की विवेता था हम सब don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel which is called storytelling shit